Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine. I'm your math teacher and this is your maths book. Students, let's continue our exercise 2.8. So students, open the page number 48. Students, it's your page number 48, exercise 2.8. Now look at the question number 8. If 1 over b is equals to 2 plus root 3, find the value of b is to the power 4 plus 1 over b is to the power 4. Now सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो स्टूडेंट, सबसे पहले सपोज कर लेंगे. हमारे पास क्वेश्चन में 1 ओवर बी गिवन था, इसलिए हमने सपोज में क्या लिखा, बी इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 प्लस रूट 3. अब रैशनलाइजेशन करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 की जगह मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करवाएंगे, 2 माइनस रूट 3 से. तो 1 ओवर 2 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3. 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, तो वही आंसर रहता है, इसलिए 2 माइनस रूट 3 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 माइनस रूट 3. और यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. तो a यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, a है हमारे पास 2, इसलिए 2 का स्क्वायर फॉर्मूले का माइनस. b हमारे पास क्या है, रूट 3, इसलिए रूट 3 का स्क्वायर. स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, 2 माइनस अंडर रूट 3, नीचे 2 टू सा 4, माइनस रिमेनिंग क्या है 3. 4 में से 3 माइनस करने पर स्टूडेंट्स हमारे पास 1 आ गया. और आप ये सब जानते हैं कि डिनोमिनेटर का 1 शो नहीं किया जाता, इसलिए हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस अंडर रूट 3. स्टूडेंट्स b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 1 ओवर b की वैल्यू हमारे पास गिवन है. अब हमने फाइंड करना है b प्लस 1 ओवर b. सो स्टूडेंट्स, b प्लस 1 ओवर b के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले b चाहिए था, इसलिए b की वैल्यू लिख दी 2 माइनस रूट 3 जो अभी हमने फाइंड किया था. देन प्लस आ गया और 1 ओवर b की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 2 प्लस अंडर रूट 3. प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 कैंसिल हो तो हमारे पास क्या बचा, 2 प्लस 2 4. b प्लस 1 ओवर b हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 4. अब हमने इसके ऊपर स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करने से हमारे पास क्या बन गया, b प्लस 1 ओवर b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर. यहाँ पर देखिए फॉर्मूला ओपन हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर के. सो स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट में हमारे पास a क्या है, b, और b क्या है, 1 ओवर b. इसलिए हमने जहां पर फॉर्मूले में a था वहां पर हमने b लिख दिया, a का स्क्वायर, इसलिए b का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पर b. b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 ओवर b, इसलिए ये आ गया 1 ओवर b. b स्क्वायर b की जगह पर 1 ओवर b का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, मतलब 4 4 जा 16. स्टूडेंट्स b से b यहाँ कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, b स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 जा 2, 1 का स्क्वायर 1, और जब ये स्क्वायर b पर अप्लाई हुआ तो b स्क्वायर, और ये 16 एज इट इज. स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस 2 है, 2 प्लस का है, तो राइट साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस 1 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 के पास आकर, ये 2 प्लस का था, यहाँ आकर माइनस का हो गया, और माइनस करवाने पर 16 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 14. अभी हमारे पास आंसर आया b स्क्वायर प्लस 1 ओवर b स्क्वायर, बट हमने क्या फाइंड करना था, b टू की पावर 4 प्लस 1 ओवर b टू की पावर 4. इसलिए अगर हम इसके ऊपर अगेन स्क्वायरिंग कर दें तो ये 2 किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर में. सो स्टूडेंट्स अब हमने क्या किया, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर b स्क्वायर का होल स्क्वायर और 14 का होल स्क्वायर. अगेन फार्मूला ओपन हुआ, अगेन ओपन कर दिया, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर 1 ओवर बी स्क्वायर 1 ओवर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 14 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 196. ओके स्टूडेंट्स, सेम एज इट इज, बी एज इट इज आ गया 2 की पावर 2, 2 सा 4 प्लस 2 1 सा 2, बी स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 1 1 सा 1, बी इज 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 सा 4, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 2 जा 4. इस तरह से ये 4 बन गया, यहाँ पर भी 2 2 जा 4 और यहाँ भी 2 2 जा 4, 196 एज इट इज. अब स्टूडेंट्स ये 2 यहाँ पर प्लस का था, यहाँ आकर माइनस करवा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 194. दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन अल्लाह हाफिज.